अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आपकी दुआओं की वजह से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ठीक, खुश और मज़े में हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं मदीना, जिद्दा टू मदीना। तो बस अब हम लोगों ने ये घर को लॉक कर दिया था, तो बस एक चीज़ फिर मैं हमें मिस हो गई थी, तो फिर वो फिर दोबारा लॉक खुला है, तो दोबारा अंदर से वो मेरा भाई अब्दुलरहमान माशाल्लाह ये लेकर आ रहा है कुछ इस तरह कुछ। मेरे में मोबाइल था, ये कोई चीज़ थी, पैसे थे, क्या था, कुछ रह गया था, तो वो फिर वो दोबारा मंगवाया था। ये इकामात मेरे में इकामी थे, ये कुछ इस तरह कोई चीज़ थी, ये पासपोर्ट पता नहीं क्या चीज़ थी, कुछ था। तो वो अम्मी ने मंगवा के वो रख दिया माशाल्लाह। अम्मी कुरान पाक लेके सर बैठी हुई, अम्मी ने सूरतें पढ़ी माशाल्लाह, उसका तस्बीह कर रही थी, और हम लोगों का ट्रैवल स्टार्ट होने लगा है। हमने अल्लाह का नाम लेके सफ़र की दुआ पढ़ के हमारा ये ट्रैवल स्टार्ट हो चुका है। तो बस ये देखे सामने कितना खूबसूरत फ्लैग आ गया है, 5 ईयर्स के बाद मैं इस तरह मैं ये देख रही हूँ। तो मैं तो ये भूल भी गई थी, फ्लैग का तो मैं भूल गई थी, तो फिर मोहम्मद ने फिर मेरे भाई ने मुझे रिमाइंड करवाया कि देखो रस्ते में जो फ्लैग आता है तुम्हें याद है किस तरह रस्ते में ये फ्लैग आता है। मैंने कहा 5 ईयर्स हो गए, मैं ये फ्लैग तो मैं बिल्कुल भूल गई थी। तो बस फिर वो देखा तो मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो फिर मैंने कहा अपने व्यूवर्स के साथ भी ये शेयर किया जाए, कितना खूबसूरत फ्लैग और कितना खूबसूरत व्यू है। तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के साथ भी मैं ये शेयर करूँ। देखे सब शूट लगे हुए, सब कुछ ना कुछ कर रहे थे, सबके हाथों में मोबाइल थे। दो व्लॉगर हैं, क्या नाम यार, मेरी सिस्टर, हम लोग व्लॉगिंग करते हैं, और एक भाई टिकटॉकर है। माशाल्लाह ये देखे कितना खूबसूरत फ्लैग है, माशाल्लाह इस पर कलमा लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हम जिद्दा टू क्या नाम है मदीना जा रही हैं। तो हमारे घर से हमें 5 आवर्स का ये क्या नाम है रास्ता है, तो पाँच हाँ तकरीबन मैं 5 घंटे का ही ये रास्ता है। तो बस हम लोग ये जा रहे हैं और हमारा ट्रैवल स्टार्ट हो गया, साथ साथ गॉसिप भी चल रही, साथ साथ फिर हम लोगों ने नाते भी सुनी, फिर हमने इधर ये स्टे किया है, इधर हमने बच्चों के लिए जूस इस तरह ये क्रोसेंट और ये इस तरह की चिप्स बच्चों के लिए बिस्किट्स इस तरह की चीज़ें ली, और साथ में ये मंकीज़ के लिए हम लोगों ने चीज़ें ली थी घर से। अम्मी बनानाज और ये ब्रेड और ये रोटी इस तरह ये चीज़ें लेकर आए थे, तो ये मंकीज़ भी खूब इंजॉय कर रहे थे, मेरी फैमिली भी इंजॉय कर रही थी, मेरे बच्चे भी माशाल्लाह सुभानियान और हुरैन भी माशाल्लाह इंजॉय कर रही थी, देख रही थी कि ये क्या है। हुरैन के लिए तो बिल्कुल एक न्यू चीज़ थी ना, सुभानियान माशाल्लाह पहले इधर रहे हैं माशाल्लाह, हमें तो 5 साल और पाकिस्तान गए माशाल्लाह, इधर ही पैदा हुए हैं सुभानियान, इधर ही रहे हुए माशाल्लाह, इन्हें ये होश में गए सुभानियान पाकिस्तान में। सुभानियान को याद थी ये मंकीज़ के, जब हम मदीना जाते होते थे रस्ते में ये मंकीज़ आते होते थे, मंकीज़ भी खूब इंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे कि उनको पता था वो अपना वो कलेक्ट कर करके स्टोर कर रहे थे, ये ले ले जाके दूर जाके रख के आ रहे थे, कुछ उधर दूर बैठे थे, कुछ नज़दीक बैठे थे, कुछ तो इतने एक्साइटेड हो गए आके हमारे कार पे भी चढ़ गए थे। मैं हाँ कुछ कार पे भी चढ़े थे, जी जी ये देखें कार पे भी चढ़े हुए थे, दो में हमें 2-3 चढ़े थे, तो वो ऊपर फिर अबू फिर अम्मी ने अबू को आगे इस तरह ब्रेड दी, फिर अबू इस तरह वो अबू ही दे रहे थे, हमने तो नहीं दी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं, पता नहीं मुझे क्या एनिमल्स से कुछ इशू है हमारे घर में। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत एक कैट वाइट कलर की पर्शियन, लेकिन पता नहीं मुझे उससे फिर भी डर लगता है, मैं उसको नहीं टच कर सकती। हालांकि ये कहते हैं माशाल्लाह रईसा है, सब ये करते हैं, सब उसको उठाते हैं, प्यार करते हैं, उसको पप्पो देते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन पता नहीं मैं उसको टच भी नहीं कर सकती, पता नहीं मेरे दिल मुझे कुछ है, कुछ कोई फोबिया मैं अपना, वो कहते जाने से पहले तुम्हारा ये डर ख़त्म करेंगे। मैंने कहा इस तरह की तुम लोगों ने कोई हरकत नहीं करनी, अगर इस तरह की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर तुम लोग भी तैयार रहना ना, लेकिन इस तरह का मजाक ही था। उनको पता है हम लोगों की माशाल्लाह इस तरह की बॉन्डिंग है, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, बता भी नहीं सकती हमारी किस तरह की बॉन्डिंग है। और 5 ईयर्स के बाद हम लोग आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम 5 ईयर्स के बाद जा रहे हैं, तो हम लोगों का किस तरह के हम लोगों की किस तरह के एक्सप्रेशन, हम लोगों का क्या क्या फीलिंग्स, हम लोग क्या बहुत ही डिफरेंट, इतनी खुशी और इतना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यानी पूरा पुरसकून, खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत इन्वायरमेंट था ना। तो हम लोग इंजॉय करते हुए इस तरह बस इधर देखे, इधर लगे हुए बच्चों को, इधर हमने काफ़ी टाइम फिर स्टे भी किया, बस खास से हम बाहर नहीं निकले। और ये मेरे अब्बू हैं माशाल्लाह, अल्लाह मेरे अब्बू अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती, मेरे बहन भाइयों को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। और ये देखे मंकी कैसे आराम से बैठ के खा रहा है, तो बस ऐसे हम इंजॉय कर रहे थे। तो बस ये देखें ये ज़्यादा मैं हमने ज़्यादा ही शूट किया, तो मैंने बस जल्दी जल्दी, बस मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब थी पहले, तो जब मदीना जाते हैं मेरी तबीयत ख़राब थी, बस अब हम लोगों ने रस्ते में फिर मंकी जाते थे, फिर रस्ते में फिर दे देते आगे करते 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 फिर कुछ को फिर नहीं भी दिया, फिर हो रहा था, फिर अब्बू मम्मी कहते इसको दे दो, हमने कुछ छोड़ो बस अब चलते हैं, इधर काफ़ी लेट हो गया। बस फिर अब हम ये सास को हमारा स्टे होना था, हमने अब एक स्टे हमने पहले किया था, फिर दूसरा स्टे हमने इधर मंकी वाली जगह पर किया, फिर तीसरा स्टे हम ये सास को आ गए। इधर बच्चों ने सब ने जिन्होंने वॉशरूम में जाना था तो इधर वॉशरूम में इस तरह वो गए, और मस्जिद थी नमाज़ अदा की, नमाज़ अदा करने के बाद इधर हम लोगों ने थोड़ा सा शूट किया। देखें कितना खूबसूरत वेदर हो रहा है, क्लाउड्स आए हुए हैं,
तो बच्चे इधर खूब इंजॉय कर रहे थे। बस अब हम ये कार को हम लोग ये पार्क करने लगे हैं, तो मैंने अपने व्यूवर्स के साथ ये खूबसूरत सा व्यू भी शेयर करें, कितना खूबसूरत क्लाउड्स आए हैं। लेकिन मेरी तबीयत फुल ख़राब थी, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर था मुझे, और ये टॉन्सिल्स की वजह से सेम इशू, टॉन्सिल्स की वजह से इस तरह से वो हुआ हुआ था टेम्परेचर। तो बस फिर लेकिन हम शूट कर रहे थे, पर बस अपना वो इतनी घसीट घसाट के, लेकिन मज़ा भी बहुत आया था। पता नहीं कैसी फीलिंग थी, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हमारी कैसी फीलिंग्स थी, हम क्या फील कर रहे थे, हम सब स्पेशली मैं अब सबकी ऐसी फीलिंग थी, हम सब माशाल्लाह आपस में हम लोगों की बहुत अच्छी माशाल्लाह बॉन्डिंग है, तो सब एक दूसरे के लिए ऐसे फील करती थी जैसे ख्वाब सा लग रहा था। और ये देखें हुरैन मैडम सो रही हैं अंदर, हुरैन मैडम के साथ एक सीन इधर एक पेश आया था, तो वो आप उसकी मेरी सिस्टर के ब्लॉग में देखेंगे, वो कुकिंग विद रईसा उसका चैनल, आप उसमें ये देख लीजिएगा इसके साथ यहाँ हुरैन के साथ क्या हुआ था। तो हम लोग इसको गाड़ी में सुला के हम लोग शूट करने लगे, मैं और मेरी सिस्टर, तो बस हम लोग वॉशरूम से हो गया, हम लोग वॉशरूम गए ही नहीं थे, तो बस ये सब गए हुए थे, तो बस हम लोगों ने इधर शूट करने लगे कि ना मैं मोहम्मद उधर से कि ना हम वॉशरूम से होके आ गया, और तो वो अपना शूट करता हम अपना शूट कर रहे थे। तो हम लोग इतना मज़ा आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, ये हमारी मेमोरीज हैं, खूबसूरत मेमोरी, हमने फ़ौरन इसको अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, और यकीन नहीं आ रहा था कि हम लोगों के हाथ रईसा और मेरा हाथ, हम दोनों का एक दूसरे के हाथ में है। तो बस हम लोगों ने अच्छे से इधर शूट करके वो सब कुछ कर करा के बस फिर हम लोग इधर वो हमें ये चौका स्टे हमारा यहाँ पेट्रोल पम्प पर हम ये रुके हैं, तो इधर ये कि ना मैं पेट्रोल भरवा रहे थे और खूबसूरत वेदर को इन्जॉय करते, बीच में सो भी रहते, जाहिर लंबा ट्रैवल साथ में हुरैन भी, लेकिन माशाल्लाह हुरैन वो बच्ची है, मैं हर ब्लॉग में कहती हूँ सब माशाल्लाह 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 बोल दीजिए कि इस तरह की माशाल्लाह हुरैन बिल्कुल तंग नहीं करती, और माशाल्लाह बहुत आराम वाली उसका माशाल्लाह जो बच्चे होते हैं उनका सा शोर होता है कि इस समझी शोर है कि इस तरह वो बच्चे कोई और ही होते हैं जो तंग करते हैं। वैसे सुबहाने आने से मैं क्यों को सुबहाने आन करते होते थे, लेकिन हुरैन माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत पोलाइट, यानी बहुत अच्छी ब्यूटीफुल 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 बच्ची है ना, बिल्कुल तंग नहीं करने वाली। और बस फिर हम लोगों ने वहाँ से पेट्रोल भरवा के हमने स्टे किया, सबको भूख लगी हुई थी, तो बैग लेने के लिए मैं बैठी हुई थी कार में, मैंने अपनी सिस्टर को कहा, मैंने कहा तुम जाके इस तरह तुम जाकर ले आओ, वो कहती नहीं दोनों चलते हैं जाके ना। फिर अब्दुलरहमान मैं, अब्दुलरहमान हम उसको प्यार से काका ही बोलते होते हैं, जो मेरे पहले जो व्यूवर्स हैं उनको पता होगा, तो मैं प्यार से उसको काका ही, हम सब काका ही बोलते होते हैं। तो मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों जा रहे हैं, तो वो कंफर्टेबल होने के लिए वो इस तरह की जूती लाई थी, मैंने शूज़ पहने, तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा तुमने कैसी जूती पहनी, वो कैसी कार में बैठे क्या बदलने क्या इस तरह, देखो वो भी शूट कर रही, वो अपना शूट कर रही, मैं अपना शूट कर रही थी, दो ब्लॉगर्स ना शूट कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे एक वो देखे सामने एक बंदा, उसने फिर मना किया, लेकिन हालांकि वो मैं अपनी सिस्टर को कहती मैंने कहा मैंने मना करते थे, वो कहती मना तो नहीं करते, पता नहीं इसने क्यों मना किया, उसने कहा नहीं हम अपना शूट रुकेंगे हम शूट करेंगे। तो बस फिर हम लोग इधर खड़े के वेट करते हैं, हमें वो मिल गई हुई थी, ये रसीद मिल गई हुई थी, तो बस अब हमने टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें हमारे अलबैग कब मिलेंगे, साथ में ये अलबैग की मामूल के इस तरह ये डेट वाले बिस्किट्स हैं जो कि बहुत ही मज़े के थे। तो हम उधर खड़े के साथ साथ शूट कर रहे थे, साथ साथ हम लोगों ने पिक्चर्स ली, स्नैप्स लिए। तो बस हम लोग अब मैं थक गई हुई थी, फिर मैं अपने ना काके के साथ जाके मैं बैठ गई थी, मैंने कहा ऐसा मुझसे नहीं खड़ा हो जा रहा। तो बस फिर हमारा अलबैग फाइनली हमारा अलबैग आ गया, तो फिर मैं इधर खड़े होकर मैंने कहा चलो जाती हूँ काका जाकर थोड़ा सा शूट करके आती हूँ। तो फिर जाके इसको कि ना मैं इसको शूट किया, अलबैग अपने सारे वो कलेक्ट किए, सारी चीज़ें उठाई, तो ले जाके फिर बस हम लोग ये देखें बस अब हम लोग जा रहे हैं कार की तरफ। तो सामने कार थी, तो बस फिर अब्बू सामने थे, डर भी हमें अब्बू से डर भी लगता था, अम्मी से भी डर लगता होता है, ऐसे क्यों कहूँ माशाल्लाह, वो मैं कहती तीन बच्चे हो गए डर अपनी जगह, हमारा वो डर नहीं गया, और माशाल्लाह सब बच्चे ऐसे ही हैं, प्यार अपनी जगह, डर अपनी जगह, हर चीज़ रिस्पेक्ट अपनी जगह, हर चीज़ अपनी जगह। तो बस हमने कार में बैठ के सबने ये नगेट्स इन्जॉय किए, नगेट्स इन्जॉय करने के बाद फिर हमारा सफ़र फिर स्टार्ट हुआ। तो बस अब हम फिर मैं सो गई थी, मैं एक डेढ़ घंटे या दो घंटे में सोई हूँ, तो फिर वो कहते शूट नहीं करना, उठ जो शूट मदीना आ गया है। तो फिर बस फिर मैं उठी, उठ के फिर मैंने जल्द से फिर मोबाइल पकड़ा, तो ये सामने ये मेरे भाई ने वो गूगल मैप खोला हुआ है, तो हमें गूगल मैप के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, मेरा कुछ इस तरह ही है, क्यों खुला हुआ ना सामने गूगल मैप, इसलिए खुला है, मैं सो तो उठी थी तो आगे इस तरह ही ऐसे ही था। तो बस अब ये है कि ना मैं धूप आ चुकी हुई और खूबसूरत से माउंटेन, इतना अच्छा, यानी मदीना की तो बात ही कुछ और है, इस तरह की खामोशी, सुकून, यानी इंसान जितना मर्जी टेंशन में हो उधर मदीना जाके इंसान सब कुछ, मैं कहती हूँ सब कुछ भूल जाता है, इतनी खूबसूरत जगह है ना मदीना माशाल्लाह, अल्लाह सबको देखना नसीब में करे इंशाल्लाह, आमीन सुम आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। बस वो मैं कहती हूँ वो फीलिंग ही अलग होती है, पर वहाँ पे जब गए खूबसूरत, तो बस ये देखें माशाल्लाह 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 हम मदीना पहुँच चुके हुए हैं। तो बस अब हम लोग ये यहाँ पे क्या नाम है पार्किंग लिया, हमारा होटल भी माशाल्लाह बिल्कुल मदीना के पास ही था, तो बस अब हमने ये कार पार्क करनी है। तो ये मैं हमें जन्नतुल बकी के पास से हम लोग गुजर रहे हैं, तो बस अभी हमारा ये कि ना मैं बस हम लोगों ने ये कार पार्किंग की, बस फिर वो होटल के वहाँ नीचे जाके अपना वो हमने पहले से ऑनलाइन वो किया हुआ था अपना
कि वो बुकिंग की भी थी, तो बस फिर हम लोगों ने कार्ड शार्ट पंच किए, अपने अपने दो रूम्स हमने लिए हुए थे, एक में अबू अम्मी ने स्टे किया, एक में हम लोगों ने स्टे किया, यानी मिल मिला के अबू अम्मी और जो मेरी छोटी सिस्टर वो दूसरे रूम में से चले गए, एक रूम हम लोगों ने ले लिया जिसमें मैं और बच्चे सुभानियान हुरैन और लेकिन मैं मेरी सिस्टर रईसा अब्दुलरहमान और मोहम्मद हम लोगों ने स्टे किया। तो हम लोग बस तबीयतें ख़राब भी थी और खुश भी थे, बस मिली जुली सारी अच्छी खूबसूरत मिली जुली कैफियत थी। और सुबह यहाँ ने आते ही साथ ही टीवी ऑन कर लिया, तो बस इंजॉय करते, और यहाँ ने आते साथ ही हंसपे मामूल चेकिंग करनी शुरू कर दी। और देखे सुबहान साहब बैठ के, सुबहान साहब ने टीवी ऑन कर लिया, तो बस मैं शूट करने लगी, मैंने कहा चलो शूट करते। माशाल्लाह इतना खूबसूरत होटल, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, कोई इस तरह कोई डस्ट, कोई इस तरह की कोई चीज़ हो कुछ भी नहीं, तो मज़ा आ रहा था। सुबह ने माशाल्लाह खूब इंजॉय करते, यहाँ तो देखे यहाँ को चेक करें, यहाँ माशाल्लाह कैसे डांस कर रहा है, तो बस बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, बच्चे तो फुल ऑन इंजॉय कर रहे हैं, बच्चों का तो मत ही पूछें। और ये वॉशरूम है, साथ में ये टब था और साथ में बेसन कमोड, और जो मुझे मसला था ये देखे पीछे टब है बड़ा सा, तो बस मैं वही करती फ्लैश वाला वॉशरूम होना चाहिए, मुझे कमोड अच्छा नहीं लगता होता, तो मुझे वॉशरूम से बड़ा मसला बनता है, और वॉशरूम पता नहीं मैं बाहर जाके कहीं यूज़ नहीं मुझसे हो पाता, पता नहीं। और ये देखें ये कार्ड है इधर से, वो कार्ड से इंसर्ट, ये हमने कार्ड से इसको ओपन किया डोर को, तो ये वॉशरूम की लाइट ऑन की हुई, चेकिंग इधर भी चेकिंग, चेकिंग वो सामने वो लगा हुआ था बल्ब शब लगा हुआ था, तो उसको वो कर रहे थे, वो ना वो था मिरर था उसमें लाइट ऑन ऑफ और थी, वो चेकिंग हो रही थी वो लोग वो चेक कर रहे थे। और ये हमारा रूम है, ये रूम हमने वो जो दूसरा वो जो पहला रूम था वो अबू अम्मी का था, और ये रूम हमारा था। तो बस इधर ये जो सबसे ये जो विंडो वाली ये जो बेड है, इधर मैं थी, इतना खूबसूरत व्यू था इधर से, फिर इस तरह हुरैन भी इधर बैठ के इस बाहर देख रही थी। तो बस क्या नाम है, तो बस अभी व्लॉग भी काफ़ी देर बाद मैं वो एडिट कर रही हूँ, तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था, बड़ा नीट एंड क्लीन रूम, साथ में लैंप, मैं कहती लाइट्स की कमी नहीं, लाइट्स तो कम नहीं। तो बस फिर इधर लाइट्स ऐसा चेक कर रहे थे, तो अबू कहते कोई नहीं इस तरह लाइट है, क्यों लाइट नहीं है, तो फिर ये साथ वाले सारे बल्ब ऑन किए, सारा किए, देखा कितनी कोई लाइट है, मैं वो कहती लाइट की कमी लग रही है, तो बस इधर बल्ब ऑन, इधर ये जो लैंप है ऑन किए, तो ये अबू करवा रहे हैं। अबू घर थे किस तरह आयशा को, अबू माशाल्लाह मैं अबू का पुत्र हूँ, अबू का चन हूँ, तो अबू तो माशाल्लाह मेरे लिए सब कुछ, माशाल्लाह मेरे अबू अम्मी सब बच्चों से सबसे ऐसे, तो मुझसे भी ऐसे ही प्यार करते हैं ज़्यादा इस तरह। तो बस वो देखे इधर ही चेकिंग, सुभान चेकिंग कर रहा है कि फ्रिज में क्या पड़ा हुआ है, तो ये देखे ये बल्ब भी चल गए, तो माशाल्लाह फिर अच्छी खासी वो रोशनी हो गई थी। बस अब हम लोग नमाज पढ़ने के लिए, मगरिब इशा की नमाज अदा करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, हुरैन को हुरैन भी कितना खुश हो रही है। तो बस ये देखे सुभान को हमने अपर मैंने पहना दिए थे, मैंने कहा तो उस तक सर्दी ना लगे, लेकिन बिल्कुल भी सर्दी नहीं थी, माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन, हम मदीना पहुंच गए हैं। तो बस मैंने 5 ईयर्स के बाद देखा तो दिल ऐसे आंखों में एकदम से ना आंसू, खुशी से आंसू आ गए कि वाकई यकीन नहीं आ रहा था कि हम इधर पहुंच गए। वरना जब मैं वहाँ पे भी जब पाकिस्तान से एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी, पता नहीं मुझे फिर भी ऐसे लग रहा था कि मुझे वापस भेज दिया जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ये कैसी बहुत अजीब सी फीलिंग थी ना मेरी। तो मुझे यकीन ही आ रहा था जब मैं मदीना में इस तरह, माशाल्लाह जब मदीना मस्जिद के पास हम वहाँ पहुँचे ऐसे, तो माशाल्लाह ये देखें ये छतरियाँ सर खुली हुई है, यानी मौसम सही था, इतना गर्मी ना सर्दी, बस नॉर्मल सा वेदर था, अच्छा वेदर था, यानी गर्मी नहीं थी। तो बस ये बस हम नमाज अदा करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो मस्जिद अंदर नहीं गए क्योंकि वो अंदर वो बच्चों के साथ अंदर आना अलाउ नहीं था, और हुरैन मैडम बैठ के मेरी छोटी सिस्टर के बैग के साथ वो खेल रही हैं, तो माशाल्लाह इधर तो हुरैन को सब उठा के लेके जा रहे थे, प्यार कर रहे थे कि हमें दे दो, पे मुझे तो डर लग रहा था, मैंने कहा अल्लाह ना करे ले ना जाए मेरी बच्ची को, माशाल्लाह। तो बस फिर डर भी लग रहा था, लेकिन फिर नमाज पढ़ते पढ़ते ऐसा फिर नमाज़ पढ़ के जल्द सलाम फिर के मैं फ़ौरन हुरैन को देखती हुरैन है ना इधर ही, तो बस फिर बाद में फिर मैं वो कहती तुम नमाज़ पढ़ लो हम तब तक संभाल लेते हैं, लेकिन पता नहीं फिर भी आपको पता है स्ट्रेंजर किसी का कोई पता नहीं, तो बस फिर भी एहतियात अच्छी चीज़ है, एहतियात सबको करनी चाहिए, मुझे नहीं सबको करनी चाहिए कि किसी स्ट्रेंजर को अपने बच्चों को ना पकड़ाएं। तो बस मैं फिर नमाज़ पर इधर देखें कैट मेरी सिस्टर ने शूट किया, चलो मैंने कहा मैं भी शूट कर लेती हूँ, लेकिन हालांकि मैं कोई मुझे ये पेट मैं पेट लवर नहीं हूँ, ये माशाल्लाह रोज़ा मुबारक सब के नाम है सब दुरूद शरीफ पढ़ लें, और माशाल्लाह मैंने सबकी इधर के नाम है माशाल्लाह सबके लिए दुआएं मांगी जिन जिन्होंने दुआओं का मुझे कहा हुआ था पाकिस्तान में, और सबके लिए इस तरह अल्लाह हम सबकी दुआएं इबादतों को सलाम को कबूल फरमाएं इंशाअल्लाह आमीन सुमामीन आमीन या रब्बुल आलमीन। और ये मेरा भाई मोहम्मद वेट कर रहा था, और हम लोग ये जा रहे हैं लिफ्ट की तरफ, देखे अब्दुलरहमान को देखा था कैसे अम्मी की वो कमर में हाथ डाल के माशाल्लाह काका इस तरह, माशाल्लाह काका हमारा ऐसे ही है। तो बस अभी इधर ही फुल टायर्ड हुआ हुआ था, तो सब बस इस तरह मगरिब इशा की हम नमाज अदा करके हैं, और ये देखें इसके टशन देखें बच्चे तो बच्चे, ये काके को भी देखें काका के अगर वो देखो भाग के जाएगी जैसे, वो कहते मैं ये वाला आयशा के साथ मैं इधर इस बेड पे मैं आऊँगा, तो देखें वो मोहम्मद लड़ने लगे कि नहीं ये बेड पे मैं लेटूंगा तुम दूसरे वाले बेड पे जाओ। तो बस ये देख रहे इधर बस वो गॉसिप स्टार्ट हो गया, हम लोग मैं कहते हम लोग बस कोई मौका चाहिए होता है, तो बस ये हम लोग बस अब ये हमें फजर की नमाज़ अदा करने के लिए बस ज़्यादा मैंने आपको बताया मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं थी, बस फिर इन्जॉय कर रहे थे साथ,
मेरी सिस्टर रईसा की भी तबीयत ख़राब हो गई अचानक ही ना, तो बस में हम लोग ये वो मैं फजर की नमाज़ अदा करने वो नहीं गई थी, तो मैं मेरी अम्मी और हम छोटी सिस्टर वो सब यानी सब अपना अपना यानी हम लोग गए, तो बस ये लाइट ऑन ऑफ हो रही है, ये फुट स्टेप से जैसे हम लोग स्टेप्स आगे वाले थे तो लाइट जो ऑफ थी वो ऑन होती जा रही थी, तो हम लोग कहते हैं तो हॉरर सीन था इस तरह, वो नहीं फिल्मों मूवीज़ में हॉरर मूवीज़ में ऐसे होता कि ऐसे ऐसे जब आगे जाती तो बल्ब देखे कैसे खामोशी हुई हुई है कि इस तरह ना बंदा ना बंदे की ज़ात इस तरह वो देखे माशाल्लाह कितना बड़ा सा होटल है, तो मैंने कहा चलो अपने व्यूवर्स के लिए शूट किया, बीच में ये बखूर का ये पड़ा हुआ है तो बस इधर खामोशी नहीं इक्का दुक्का ज़्यादा लोग नहीं थे, तो बस हम लोग जा रहे हैं, हमने पहले बस हम लोग ये जा रहे हैं निकल रहे हैं, मेरी छोटी सिस्टर मैं और हुरैन और हम लोग निकल गए हैं होटल से, हम लोग मैं बताया था हमें 2 से 3 मिनट का रास्ता हमारे होटल से इस तरह वो था यानी बिल्कुल नज़दीकी होटल लिया था हमने, बिल्कुल सामने इस तरह होटल लिया था कि इस तरह के ज़्यादा इस तरह हम लोग को चलना दूर कहीं आना जाना ना पड़े, तो हम माशाल्लाह हम मदीना पहुँच गए हैं, बस हमने इधर फिर फजर की नमाज़ अदा की है, तो हम लोग अंदर नहीं हम हुरैन को इसलिए साथ ले गए, मेरी छोटी सिस्टर मुझे मैं मेरी सिस्टर कह रही थी नहीं इधर रईसा साथ में है, सॉरी इधर रईसा साथ में, फजर की नमाज़ हम लोगों ने साथ ही अदा की थी, घर में नहीं थी रईसा की तबीयत बाद में ख़राब हुई थी सॉरी मैं वो ज़रा मुझे इस तरह से लगा, तो बस वो मेरी सिस्टर रईसा साथ ही थी, तो बस हम लोग अंदर मस्जिद के अंदर नहीं जा सक रहे थे, वैसे कोशिश की थी हम वहाँ तक गए लेकिन उन्होंने कहा नहीं आपके साथ बच्चे है तो इसलिए आप लोग बाहर इस तरह नमाज़ पढ़ेंगे, तो फिर हम जानमाज़ लेकर गए थे, हम लोगों ने बाहर नमाज़ अदा की, तो बस अब हम लोग ये घर की तरफ निकल रहे हैं, पहले हमने वहाँ तहज्जुद माशाल्लाह पढ़ी, फिर हमने फजर की नमाज़ अदा की, नमाज़ अदा करने के बाद हम लोग फिर वहाँ से हमने दुआएँ मांगी, दुआएँ मांग के बस फिर हम लोग घर की तरफ रवाना होने लगे, खूबसूरत देखे माशाल्लाह सुभान अल्लाह कि ना मैं मदीना इस तरह मदीना में ये व्यू देखने को मैं कहती हूँ मैं बहुत 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 लकी हूँ, जो सब हैं जिन जिन्होंने ऐसे ये व्यू देखे हैं सब बहुत लकी हैं कि मदीना देखे माशाल्लाह कितना खूबसूरत रोज़ा मुबारक लग रहा है कि सुबह का मॉर्निंग व्यू इस तरह के वहाँ पर मदीना में इस तरह दिन हल्का हल्का चढ़ता हुआ, तो बस हम लोग देखे हमने अम्मी और छोटी सिस्टर को घर और हुरैन को घर छोड़ के हम लोग के ना मैं फिर वापस जा रही हूँ, देखें वो भी शूट कर रही है, तभी इधर ये ठीक थी ये इसकी तबीयत बाद में ख़राब हुई थी, तो हम लोगों ने कहा चलो हम लोग ना ब्रेकफास्ट लेके आते हैं, तो हम लोग शूट करते हुए जा रहे हैं इन्जॉय करते हुए एज़ यूजुअल बातें करते हुए गॉसिप करते हुए, तो बस हम लोग जा रहे थे, हमने कहा चलो फिर शूट करते हैं, पहले मैंने फजर का मैं शूट किया था, पहले आपने देखा था कि कैसा व्यू था, लेकिन फिर अभी भी ज़्यादा लोग नहीं थे, इक्का दुक्का ही ज़्यादा वो देखे नीचे कोई खड़ा हुआ फिर खड़ा हुआ, बस फिर हम लोगों ने कि ना हमने ऊपर शूट किया, देखा ऊपर का कितना खूबसूरत सा व्यू, कितना खूबसूरत ग्लास इस तरह वो लगा हुआ है, तो बस फिर हम लोगों ने कहा चलो चलते हैं, चल के जाके ब्रेकफास्ट लेके आते हैं, हम लोगों को भूख लग गई हुई थी, अबू सोए हुए थे, अबू नहीं गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो बस फिर हम लोग गए हुए थे, तो अम्मी को कहा कि हम लोग ना लेकर आते हैं मैं और मेरी सिस्टर, तो हमने कहा चलो चलें, तो हम लोग जा रहे हैं इन्जॉय करते हुए, तो बस आप सब भी पता है आप लोग सब कैसे इन्जॉय करते हैं जब इस तरह जो लोग इधर रहते हैं मक्का मदीना इस तरह जो लोग जिद्दा में कहीं भी और सिटी में जो रहते होते हैं वो आप सब कैसे इन्जॉय करते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, तो बस हम लोग जा रहे थे, तो बस ये लिफ्ट बाग में कोई बीच में इस तरह हमें वो रोक लेते कोई बटन को इस तरह वो करता था दबाता था, तो हम लोग फिर बीच में इस तरह वो खुलते फिर हम कैसे कब नीचे जाएंगे ये सर ये क्यों सर लोग कर रहे हैं, तो बस फिर हम लोग जा रहे थे, इतना खूबसूरत व्यू दिन हल्का हल्का चढ़ना स्टार्ट हो गया था, और मुझे मेरे हस्बैंड को भी पता है पहले हम फुरकान के साथ फुरकान भी साथ थे तो हम लोग साथ ही आते होते थे, बस फुरकान को भी बहुत याद किया कि पहले हम लोग माशाल्लाह साथ आते होते थे, अब्बू अम्मी फुरकान भी साथ होते थे, बच्चे सुबहानियान होते थे, अब माशाल्लाह हुरैन इस बार हुरैन इस तरह माशाल्लाह साथ में आई है पाकिस्तान से, हुरैन माशाल्लाह पाकिस्तान में पैदा हुई है तो हुरैन वहाँ से इस तरह हम लोग लेकर आए हैं, तो बस माशाल्लाह फिर फुरकान की भी बहुत याद आई, बस फिर फुरकान के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगी, इंशाल्लाह के हुक्म से हम दोबारा जब आएंगे हम सब साथ में आएंगे इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन, बस बच्चों के लिए जूसेस ले रहे थे अपने लिए जूसेस ले रहे थे स्ट्रॉबेरी मिल्क चॉकलेट मिल्क बनाना मिल्क और मेरा फेवरेट बनाना मिल्क है लेकिन मैंने बनाना मिल्क पता नहीं था क्यों नहीं लिया, तो बस इस तरह बस वो मैं कहती साथ में बस अभी तो पहले था कि वहाँ जाएंगे हम ये करेंगे हम वो करेंगे ये खाएंगे ये पियेंगे, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया भाई, ये सुबहानियन का फेवरेट जूस है अलमराई का पीते होते हैं स्ट्रॉबेरी मिल्क और ये क्या नाम है ये मैंगो मिल्क चॉकलेट मिल्क इस तरह, बस फिर हमने सोचा कि हमें चाय बनाते हैं, मोहम्मद ने कहा तुम लोग लूना इस तरह मोहम्मद भी उठ गया था तो उसके लिए भी फिर वो उसकी चाय की इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चाय बनानी है उसका काम है, इधर बाहर जब आते हैं कहते हैं पहले नहीं था ये अभी ऐसे हुआ है कि जब हम लोग बाहर आते हैं तो मोहम्मद चाय बनाएगा मोहम्मद सबको चाय बना के सर्व करेगा और माशाल्लाह वो इतने मज़े की मैं आपको बता नहीं सकती माशाल्लाह अल्लाह मेरे दोनों भाइयों को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और कामयाब करे उनके नेक नसीब करे इंशाअल्लाह आमीन सुम्मा आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन, अल्लाह ऐसे भाई सबको दे माशाल्लाह हम लकी हैं कि हमें ये भाई मिले लविंग केयरिंग
यानी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ये नहीं कि मेरे भाई मैं इसलिए तारीफ़ कर रही हूँ, वो माशाल्लाह हैं, वो डिज़र्व करते हैं और माशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह उनको अपनी जनाब से ज़्यादा ज़्यादा दे इंशाल्लाह। आमीन सुम आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। बस हमने वहाँ से शॉपिंग कर ली, फिर हमने हुरैन का यहाँ से हुरैन की वो क्या नाम है, मेरी रईसा सिस्टर ने उसने वो ब्रेसलेट ली और क्या नाम है, हमने यहाँ से वो एक टॉप ली थी हुरैन की और हुरैन के लिए एक स्कार्फ लिया था और उसके लिए वो शॉर्ट्स बनाए थे, हमने स्कार्फ लिया था और हम लोगों ने उसके लिए एक डॉल मेरी सिस्टर ने उसके लिए गिफ्ट ली। और ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू है, सब माशाल्लाह सुभान अल्लाह बोलें और क्या नाम है वो क्या नाम है दुरूद शरीफ पढ़ें, सलाम पढ़ें और क्या नाम है और डन लिखें, डन कमेंट सेक्शन में क्या नाम है डन लिखें तो अच्छा लगेगा कि पता चलेगा कितने कितने लोगों ने देखा और कितने लोगों ने पढ़ा, अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। और ये देखें हम फाइनली हम अंदर चले गए, क्या नाम है सिस्टर की मैं आपको बताया था रईसा की तबीयत ख़राब हुई थी तो फिर वो क्या नाम है उसने कहा था हुरैन को मेरे पास इधर ही छोड़ दो, उसको बहुत तेज़ टेम्परेचर हो गया तो उसने कहा था मैं हुरैन को संभालूंगी, आप लोग अंदर जाके पढ़ लें। तो फिर हम जुम्मे की नमाज़ अदा करने के लिए हम लोग अंदर मस्जिद के अंदर चले गए। तो बस हम लोग माशाल्लाह फिर इधर के नाम है वो पानी जमजम पानी छोटी सिस्टर का कि जमजम पानी ला कर दो, बस इस तरह पे पिया, वुजू करने के लिए गए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हमारी मेमोरीज इधर बनी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह सबको दिखाना, अल्लाह सबको दिखाए, सबको देखना नसीब करें इंशाल्लाह। आमीन सुम आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मेरी कैसी फीलिंग थी इधर, माशाल्लाह बहुत खुश, बहुत मज़ा आ रहा था और माशाल्लाह अब्बू अम्मी माशाल्लाह मेरी फैमिली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने खूब इंजॉय किया। इधर एक फ़ोटोशूट चल रहा था, देखें इधर हाथ आपको नज़र आएगा, फिर इसलिए मैंने ज़्यादा नीचे नहीं किया, मैंने कहा अच्छा नहीं लगता कोई अपना फ़ोटोशूट करो। वैसे मैंने भी इधर एक पिक्चर बनवानी थी लेकिन मैंने नहीं बनवाई, मैंने कहा नेक्स्ट आऊँगी फिर बनवा लूँगी लेकिन फिर नहीं बन पाई। इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट जाऊँगी मदीना तो इंशाल्लाह इस गेट के पास मैं इधर खड़े, मैंने हमारी पहले भी पिक्चर्स हैं मेरे हस्बैंड के साथ बच्चों के साथ तो अब इंशाल्लाह दोबारा बनाएंगे। और ये देखें सुबह की रोशनी में रोज़ा मुबारक माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। तो माशाल्लाह हमने ज़्यादा ज़्यादा इबादत की, अल्लाह हम सब की बातों को कबूल फरमाए इंशाल्लाह। आमीन सुम आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। रात को हमने पता नहीं क्या खाया था, वो शूट ही नहीं किया तो बस ये ब्रोस्ट लेकर क्या नाम है मेरे भाई ने ऑर्डर किया था, अलबैक ऑर्डर किया तो वो बस फिर वो क्या नाम है उन्होंने वो ये क्या नाम है फिर जाके उसने ऑर्डर किया था जल्दी से, फिर मैं वही सोचती मैंने कहा इतनी भूख लगी हुई ये जाएगा कब लेकर, फिर जब गया तो फ़ौरन से लेकर गया, मैं बहुत खुश हुई। बस फिर हम लोगों ने ये क्या नाम है असर की नमाज़ पढ़ी है, असर की नमाज़ पढ़ी, फिर मगरिब की क्या नाम है मैं ये मगरिब की ये मगरिब की हाँ असर की हमने पढ़ी, असर की पढ़ के हम फिर वापस घर आ गए थे तो फिर अब ये मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए अब हम जा रहे हैं। तो बस ऐसे ही आते ही जाते बस थोड़ा सा शूट किया, बस फिर भी देखे 28 मिनट का इस तरह बन गया है। मैंने बहुत सारा क्या मैं शूट नहीं भी कर पाई इस तरह खाते हुए, वहाँ पर हमने जो एक्टिविटीज़ की जो हम लोग कर रहे थे, पर अंदर बैठे माशाल्लाह ये मेरी अम्मी का खूबसूरत सा हाथ है, अल्लाह इन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे इंशाल्लाह। आमीन सुम आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह मेरी अम्मी बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत ब्यूटीफुल सी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये खूबसूरत सा मैं अम्मी का हाथ पकड़ के बैठी हुई हूँ तो अच्छा लग रहा था, साथ अम्मी के हाथ भी इस तरह थोड़े से दुबाए, अम्मी माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ रही थी। तो बस अब हम लोग ये यहाँ पे हम लोग ये ज़्यारत करने के लिए ज़्यारत खुलने का वेट कर रहे थे तो फिर हमने पहले पूछा इस तरह की ज़्यारत कब खुलेगी, वो कहते खुलने वाली है तो फिर कह रहे थे कि इस तरह के सुबह कर लें, फिर बाद में पता चले ज़्यारत खुली हुई। तो बस हम ये ज़्यारत के लिए माशाल्लाह देखें रश देखें, उमरा भी बहुत आया हुआ था, अन्य व उमरा माशाल्लाह इस तरह हर तरह के इस तरह पाकिस्तानी और ये कफ ये फ्लू सब कुछ इस तरह था। तो बस इस वजह से सब बीमार हो रहे थे कि ज़ाहिर उमरा खुला हुआ था उमरा आया हुआ था तो बस जो मक्का भी जा रहा है मदीना भी जा रहा है वही सुनने में आ रहा है बीमार हो रहे हैं। ये मेरी सिस्टर जाती होती है कि ना मैं ट्यूशन तो वहाँ से वो फिर उन्होंने बताया कि मैं मक्का गई थी, उनके भी कोई आए हुए थे रिलेटिव्स आए हुए थे तो वो मक्का गई या मदीना गई तो वहाँ पर इस तरह तो बीमार होकर इस तरह वो वापस आई तो वही कह रही थी जब इस तरह जब भी कोई इस तरह जाओ तो वाकई मास्क तो ज़रूरी ही ज़रूरी, कई लोगों ने लगाए कई लोगों ने माशाल्लाह ये देखें अंदर से रोज़ा मुबारक। पहले तो ये अम्मी बताती हैं जब हम लोग छोटे छोटे थे ना ये सारा ओपन था, ये भी इन्होंने सारे ये आगे और बल्कि इन्होंने बाउंड्रीज लगा दी आगे और इन्होंने भी बंद कर दिया हुआ, लेकिन पहले जब मुझे याद है छोटे होते ही काफ़ी इस तरह खुला था माशाल्लाह नज़र आता होता था लेकिन जो जेंट्स वाली साइड से वहाँ से माशाल्लाह ज़्यादा नज़र आता है, इधर से फिर भी नज़र नहीं आता। तो बस ये देखें कितना रश है सब माशाल्लाह इस तरह सबको इस तरह रश में सब फिर कहते कि आगे इस तरह ओपन है कि नहीं किस तरह, हम फिर भी काफ़ी आगे तक चले गए। फिर जो उधर वो खड़ी हुई थी ये पुलिस वाली ये जो शुरता खड़ी हुई है इससे फिर पूछा कि इस तरह के आगे और आगे, फिर मैंने पूछा ना मैंने कहा पूछ लेते हैं इस तरह आगे जाने का ताकि इस तरह के वो बस आगे जा और है या नहीं, तो उसने कहा नहीं बस यहाँ तक ही। देखें उन्होंने और इस तरह ये बंद कर दिया, इंस्ट्रक्शन चल रही है क्या है पता नहीं कुछ समझ नहीं आया, लेकिन पहले ये जब हमारे आज से 5 साल पहले ये खुला हुआ था इन्होंने और आगे इस तरह देखें माशाल्लाह इधर से रोज़ा मुबारक नज़र आ रहा है। तो बस फिर हमने उधर ही बाउंड्री बना के नहीं ना फिर भी इस तरह नफल पढ़ना बहुत मुश्किल था अंदर, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ नफल पढ़े। अम्मी को फिर मैंने इस तरह पहले मैंने अम्मी और ये कि ना मैं अपनी सिस्टर को पढ़वाए, इस तरह मेरे साथ एक और इंडियन थी उन्होंने हम लोगों
हमने हाथ पकड़ लिए एक दूसरे के, हाथ पकड़ के हमने इस तरह वो एक बाउंड्री बनाई वहाँ पे, इस तरह ताकि सब सब एक दूसरे को ऐसे ही सपोर्ट करके, इस तरह सब ने एक दूसरे को नफल पढ़ाए, सब ने उधर नमाज में वो वहाँ पे दुआएं मांगी, तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह उधर नफल पढ़े, सब ने इस तरह ऐसे फिर दुआएं मांग के सलाम पढ़ के फिर हम लोग वहाँ से निकल आए। हम सब हम ये रात को शूट करने के लिए इधर आए हैं, तो हम लोग पिक्चर्स इनकी वो फिर सबकी रोज़ा मुबारक सर मैं कहती हूँ बेस्ट इन द वर्ल्ड, ये व्यू है मैं कहती हूँ कहीं भी सुकून कहीं कहीं कुछ भी नहीं है जो यहाँ पे है ना वो कहीं भी नहीं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या नाम है अब्दुर्रहमान काका हम लोग इधर शूट करने के लिए हुरैन सुभानियन हम लोग इधर शूट करने के लिए आए थे, तो जिन जिन की पिक्चर से हमने खुद अपना भी सुभानियन का इधर हुरैन का तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम था माशाल्लाह, सुभानियन का तो हमने इधर बहुत अच्छे से वो की हुई पिक्चर्स इनकी मेमरीज बनी हुई हैं, तो मैंने कहा हुरैन बिल्कुल फर्स्ट टाइम थी तो हुरैन की हमने अच्छे से पिक्चर्स इधर प्यारी प्यारी खूबसूरत रोज़ा मुबारक के साथ बनाई, तो इंशाल्लाह हुरैन बड़ी होगी तो देखेगी, तो बस फिर हम लोगों ने यहाँ पर जिन जिन की पिक्चर्स भी थी रोज़ा मुबारक उनकी पिक्चर्स बना के उनको व्हाट्सअप की, तो माशाल्लाह सब बहुत खुश हुए, सब ने बहुत दुआएं दी, अल्लाह उन सबको भी खुश रखे, उन सबको भी रोज़ा मुबारक दिखाए, सबको दिखाए जिन जिन्होंने नहीं देखा हुआ उन सबको दिखाए इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। बस फिर अब हम ये जुमे की नमाज अदा करने के लिए हम लोग आए, तो मैंने आपको बताया था रईसा की तबीयत बहुत ख़राब थी, रईसा घर में ही रुकी, तो बस अब हम लोग नमाज अदा जुमे की नमाज अदा करने के लिए फिर हम लोग ही आए हुए थे सब, तो बस जेंट्स अलग थे, हम लोग अबू अम्मी अबू सब भाई उधर अलग थे, और ये देखें अब्दुल काका अपनी जुल्फे काका, अच्छा मैं आपको बताती हूँ ये जो दो बेड हुए मैंने इस पे के नाम है उधर मैं थी, इधर ये इधर मोहम्मद मेरे साथ मोहम्मद था, और ये आगे जो दो बेड मिले हुए थे इनमें वो थी क्या नाम है इसमें काका सुभान, यानी ये तीनों काका बेचारे इन दोनों के बीच में सोता, और वह सबसे लास्ट में रईसा थी जो सबसे लास्ट में ना, ये देखें ये जो फ्रेम लगा इसके नीचे इधर रईसा, इसके नीचे ये रईसा का बैठ, तो बस अब हम लोग जाने लगे, अब हम लोग चेकिंग कर रहे थे कि कहीं कोई सामान रह ना जाए, तो बस अभी इधर चेकिंग चल रही है, बस सारे वो चेक किए कराए किस तरह कहीं इसमें ड्रॉर में या वो अलमारी में कहीं कुछ सा कोई चीज़ रह तो नहीं गई, ये देख लें हमने सारा वो नीट एंड क्लीन कर दिया, तो बस अब हम लाइट्स ऑफ कर रहे हैं, लाइट्स ऑफ करके हम लोग बस अब निकलने लगे, लेकिन वॉशरूम बहुत मुश्किल मुझे हुई, तो बस ये अभी इधर लॉक कर रहे हैं हम, तो ये हटाया ये इस तरह बस अब लॉक होने लगा है, तो रईसा बेचारी भी थोड़ी सी हिम्मत, लेकिन रईसा को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर था बेचारी, अल्लाह इसको खुश रखे इसके नेक नसीब करें इंशाल्लाह आमीन सुम्मा आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छी सिस्टर है, तो बस अब हम लोग ये जा रहे हैं अपनी कार की तरफ, तो अलबैग पे मुझे दिखती है अलबैग पे इतना रश हुआ हुआ था, तो मैंने कहा मोहम्मद तुमने कैसे अलबैग ऑर्डर किया, मैंने कहा तुम कैसे जल्दी लाए थे, फिर वो कहते हैं मैंने ऑर्डर किया हुआ था, बस मैंने वहाँ जाके बस वो कलेक्ट किया लेकर बस मैं आ गया हूँ, मैंने ऑर्डर किया था मुझे इसलिए जल्दी मिल गया, और माशाल्लाह गर्मा गर्म खाने का फिर बहुत ही मज़ा आया, तो बस अब हम लोगों ने क्या नाम है हम लोग यहाँ से निकले हैं निकलने लगे, तो बस अब हम लोग जा रहे हैं, फिर रस्ते में वो जो खाना फिर हम लोग ये देखें खूबसूरत सी बिल्डिंग्स थी और खूबसूरत मैम ये म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम था पता नहीं मैं शूट कर रही थी कुछ याद भी नहीं, मैम म्यूज़ियम है कुछ इस तरह का था पता नहीं मैंने ये क्यों शूट किया कुछ था लेकिन मुझे याद बिल्कुल भी नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं जिन जो इधर रहते होंगे उनको पता होगा और जिनको नहीं पता तो चलो समझ लें जो समझ रहा है मैं कुछ कह नहीं सकती, मुझे याद भी नहीं आ रहा और मेरी इतनी खूबसूरत मेमोरी भी नहीं है, किस तरह मेरी मेमोरी बहुत बच्चों के बाद तो मेरी मेमोरी बहुत ही ख़राब और बहुत ही गंदी हो गई है, तो बस मैंने कहा खूबसूरत ये फिर हम ये मतम ये दला है मतम दला पे हम ये रुके हैं वहाँ पे हम लोगों ने क्या नाम है ज़्यादा मैं आपको बताया मैंने ज़्यादा मोबाइल पकड़ा ही नहीं पता नहीं मैंने क्यों नहीं पकड़ा, तो बस हम लोग यहाँ पे हमने ये रोज़ बुखारी लिए, अब उन्हें गोश्त का सालन लिया था और साथ में रोटियाँ ली हैं, तो बस अब हम लोग ये खाने लगे हैं खाना साथ में, इन्होंने वो साथ में ये कैबेज दिए अनियन साथ में ये ऑरेंज ऑरेंज भी यहाँ कैसे बड़ा बड़ा सा मैंने कहा लेमन, तो बस फिर साथ में हम लोगों ने वहाँ पे ये अपना लंच इंजॉय किया, रईसा को वीकनेस थी और थी वो फिर मैंने कहा मैं ज़्यादा वीकनेस थी, हुरैन का हाथ माशाल्लाह देखे कितना प्यारा क्यूट सा हुरैन का हाथ, उसकी मैं हमें ये नेल पॉलिश बेचारी की तब की लगी जब से हम ये पाकिस्तान से इस तरह आए हैं, और बस फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये टी ली, खाना खाने के बाद हमने ये सब ने टी ली है, अबू गुस्से में आए थे अम्मी और मैं हमें छोटी सिस्टर वॉशरूम में गए थे वो कहते क्यों नहीं इतना टाइम लगा दिया, बस फिर वो आए उन्होंने अपनी टी इन्जॉय की लेकिन थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, अब क्या कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, खुश रहें खुश रखें अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब हम घर में जा रहे हैं अब और क्या बताना है, और उनका खूबसूरत सा व्यू कि ना मैं आपके साथ जरा मैं वो सनसेट इज आपको आपके साथ शेयर कर लूँ, तो फिर मैंने कहा खुश रहें खुश रखें और जो दिल में आए कीजिए, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह घर आ गया हमारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज़।